हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वो भी शॉर्टकट ट्रिक की मदद से। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। एग्ज़ाम में हमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया तथा वह 640 मतों से जीत गया। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे? ठीक है, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछा जाता है तो उसको किस तरीके से करना है, इसको हम शॉर्टकट ट्रिक से भी करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट था पुराना वाला मेथड उससे करते हैं। तो इसमें बोला है कि 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, तो हमने माना कि यहाँ पर 2 उम्मीदवार है, ए और बी। जीतने वाले को कितने वोट मिले हैं? 54% मिले हैं, तो ये हमारा हो गया 54%। माना कि ए जीता है, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? टोटल 100 में से अगर मैं 54 माइनस कर दूं, 100 में से अगर मैं 54 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा? 46। तो 46% वोट मिले हैं हारने वाले को। ठीक है, ये है हारने वाले को। अब क्वेश्चन में एक और चीज़ बोली गई थी कि जो जीतने वाले को वोट मिले हैं वो 54% है, और वो कितने वोटों से जीता है? वो जीता है 640 वोटों से। अब ये जो 640 वोटों से जीता है वो क्या है? इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, तो 54% माइनस 46%। ठीक है, अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालूं तो डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा? 8% का आएगा। और ये 8% किसके बराबर है? बराबर है हमारा किसके? 640 के। ठीक है, मतलब जो टोटल वोट थे उसका अगर मैं 8% निकालूं टोटल वोट का, ये किसका है? टोटल वोट का 8% निकालूं तो कितना आएगा? 640। हमें तो टोटल वोट नहीं पता है, ठीक है, तो हमने क्या करा, एक्स हमारे टोटल वोट हो गए, तो कुल मत या वोट हमने मान लिए कि वो क्या है? एक्स है। अब एक्स का 8% हमें दे रखा है 640, तो यहाँ निकाल लेते हैं। अगर मैं एक्स का 8% निकालूं तो कितना आएगा? 640 आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 640 100 अपॉन में 8, कैंसिल किया, ये हो जाएगा हमारा कितना? 8 8 64, 80 हो गया। 80 को 100 से गुना किया तो कितना आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया 8000। तो 8000 क्या आया है? कुल वोट जितने पड़े थे। तो अगर हम पुराने मेथड से करें तो हम इस तरीके से करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट ट्रिक से करते हैं। तो सबसे पहले शॉर्टकट ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक हमारी थी किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से जीतने वाला m%, जीतने वाला जो है वो m% मत प्राप्त किया और वह x मतों से जीत गया। जितने वोटों से जीता उसको हमने x मान लिया, जबकि हारने वाला n% मत प्राप्त किया था और हारने वाले को हमने मान लिया n%। तो कुल जितने वोट डाले गए हैं उसका जो फॉर्मूला है वो है x बटे में m और n का जो अंतर आएगा, m% और n% का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा हमारे यहाँ पर, ठीक है, इनटू 100। तो ये हमारी ट्रिक है, इसको याद रखना है। अब हमारे पास क्वेश्चन था, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया। अब जीतने वाले को मिला है कितना? 54%। तो हमने माना कि m जो है हमारा वो हो गया 54%, ठीक है, और वह कितने वोटों से जीता? 640। तो ये तो x हो गया हमारा, x हो गया 640। और n तो हमें यहाँ पे दिया नहीं, तो n क्या हो जाएगा? हमें पता है टोटल 100% होता है। जीतने वाले को मिले हैं 54%, तो हारने वाले को कितने मिल जाएंगे? n हमारा हो जाएगा 100 माइनस 54, तो ये हो गया 46%। ठीक है, अब ट्रिक में अप्लाई करते हैं हम। ट्रिक थी x हमारे पास है 640, ठीक है, बटे में क्या है? m और n का अंतर, मतलब कि 54 और 46 का अंतर। तो 54 माइनस 46 गुना 100, तो ये कितना होगा? 640 बटे 8 गुना 100, 8 से कैंसिल करा तो ये हो गया 80। तो टोटल जो वोट आएंगे, टोटल जो वोट हैं हमारे, टोटल वोट्स जो आएंगे वो आएंगे 80 × 100, ये हो जाएगा 8000। तो 8000 वोट टोटल डाले गए।
तो इस टाइप के क्वेश्चन को शॉर्टकट ट्रिक से हम इस तरीके से करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।